काजल राघवानी, खेसारी लाल यादव की सच्चाई सभी के सामने बाहर लाना चाहती हैं। क्या काजल अब अगर खेसारी के फैंस की तरफ से उन्हें कुछ कहा गया तो वो चुप नहीं बैठेंगी? ऐसी ही इंडिकेशन काजल राघवानी ने पिछले दिनों इंस्टाग्राम अकाउंट के अपने एक पोस्ट से दी, जहां पर उन्होंने ये कहा, कुछ खरीदे हुए रिपोर्टर यानी कि वो सीधे सीधे खेसारी लाल यादव पर प्रहार कर रही हैं बगैर उनका नाम लिए। तो आइए पहले हम बता दें कि क्या काजल राघवानी ने इस पोस्ट में कहा था। काजल राघवानी कह रही हैं कुछ खरीदे हुए रिपोर्टर यानी कि कुछ खरीदे हुए रिपोर्टर उनके खिलाफ जो न्यूज़ बना रहे हैं और खेसारी के पक्ष में जो न्यूज़ बना दे रहे हैं और बातों को नहीं जानते हैं कि खेसारी और काजल के बीच क्या हुआ है और सिर्फ एक तरफ का पक्ष रख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ काजल राघवानी ये भी कह रही हैं कि मैं अपने लिए संतुष्ट हूँ कि मुझे पता है कि कौन सही है कौन गलत है। जो भगवान बने हैं वो भगवान बने रहें, वरना मेरी बातों से कहीं वो पत्थर न बन जाए। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि खेसारी लाल यादव के बारे में ही सीधे सीधे ये कह रही हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव ज़्यादातर अपने जो फैंस के बीच में हैं उन्हें उनके फैंस भगवान का ही दर्जा देते हैं। साथ ही इस पोस्ट के बाद फैंस काजल राघवानी को सपोर्ट करते नज़र आए। काजल राघवानी की सपोर्ट में काफ़ी फैंस आगे आए। उन्होंने कहा, आप अपनी बातें रखिए, आप खुलकर बोलिए क्या बात है। अगर हम खेसारी के फैंस हैं तो आपको भी हमने उतना ही प्यार दिया है। अगर खेसारी गलत होंगे तो क्या हुआ, हम आपका सपोर्ट करेंगे। पहले सच्चाई तो बाहर आए, कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ एक फैंस को रिप्लाई देते हुए काजल राघवानी ने ये कहा कि सच्चाई ज़रूर बाहर लाऊंगी वक्त आने पर, अभी सही वक्त नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर काजल राघवानी ने एक जगह और लिखा है कि मैं देखना चाहती हूँ कि कोई कितना गिर सकता है। यानी कि खेसारी लाल यादव की तरफ से लगातार हो सकता है कि काजल राघवानी पे दबाव बढ़ रहे हों, क्योंकि काजल राघवानी के बर्थडे पे विश न करना, फिर उन्हें एक तरह से अनफॉलो कर दिया है जिस तरह से काजल राघवानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तो सारी कई बातें सामने आएंगी। हो सकता है काजल अपने लाइव में ही आके बहुत बड़ा खुलासा कर दे, लेकिन अगर काजल राघवानी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठी तो काजल राघवानी कुछ भी नहीं बोलेंगी, ये भी सामने से दिख रहा है। अदरवाइज़ काजल राघवानी कब का बोल चुकी होती। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।